हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मूर्ति रिवर की ओर जा रहे हैं, जो डुआर्स का एक मेन पॉइंट है। इसके पहले हम लोग रॉकी आइलैंड गए थे, तो शायद वो वीडियो आपने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, जिससे आपको पता चलेगा डुआर्स कैसे आना है, पूरा इन्फॉर्मेशन। और अभी हम लोग मूर्ति रिवर की ओर जा रहे हैं। जनरली डुआर्स जुलाई से सितंबर तक बंद रहता है, ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से बंद रहता है। जंगल बहुत घने हो जाते हैं, उसमें आपको जानवर भी नहीं दिखेंगे। तो इसलिए अगर आप जंगल सफारी करते हैं तो आप इस बीच नहीं आ सकते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। सो हम लोग जंगल सफारी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ मूर्ति रिवर इस वीडियो में घूमेंगे। और उसके पिछले वाले में हमने आपको रॉकी आइलैंड दिखाया था, क्योंकि हमें रेनी सीजन में ही आना था। तो रेनी सीजन में ग्रीनरी और ज़्यादा रहती है, चारों तरफ आप देख रहे हैं, बीच में ये इतना अच्छा रोड है, लेकिन फिर भी ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कैसे घूमना है, कितने दिनों के लिए घूमना है, कितने पार्ट में आप डुआर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं, या एक बार में घूमने के लिए आपको क्या करना है। तो इसलिए पिछला पार्ट आप ज़रूर देख लें। और डुआर्स से जुड़े फोटोज़ देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, कि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो डुआर्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट वगैरह मिल जाएंगे। अब यहाँ से मूर्ति रिवर का एरिया शुरू हो गया है, तो यहाँ बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह शुरू हो चुके हैं। नॉर्थ बंगाल के सारे फेमस स्पॉट्स में लगभग ये लिखा रहता है, आई लव मूर्ति और आई लव मिरिक और आई लव दार्जिलिंग, सब लिखा ही मिलता है आपको। ये अंशुमान हर्षित, ये आपका मूर्ति रिवर। यहाँ पे मूर्ति रिवर लगभग प्लेन में आ चुकी है। ये मूर्ति रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, इसको मूर्ति ब्रिज भी बोलते हैं। और ये देखिए, ये आपका जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिसोर्ट है, फॉरेस्ट रिसोर्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ये नेशनल पार्क के अंतर्गत बना हुआ है रिसोर्ट, और इसके पहले हमने वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट अथॉरिटी का या इको डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको रिसोर्ट दिखाया, उसको भी आपने देखा। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन इस रिसोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि एकदम रिवर के पास है। आप यहाँ से रिवर फेसिंग है, आप रात को भी आ सकते हैं। ये ओपन है पूरी तरह, और सामने देखिए आप पूरा जंगल, एक तरफ जंगल, बीच में नदी, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हुए, और इधर ये आपका रिसोर्ट का एरिया। देयर एंजॉयिंग देयर बाथ। Here is the Anshuman. ये पूरा फॉरेस्ट एरिया, और ये काफी तेजी से, आप देखिए वेव्स टाइप का दिख रहा है, उछलते हुए नदी, एकदम उछलते हुए बह रही है। इसको छिपटिकाएं भी बोलते हैं, या रैपिड्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको। They're enjoying their bath. पानी
अच्छा रहे ना, ऐसे पानी आ रहा है तो आप नहीं।